वृंदावन के प्रसिद्ध संत सदगुरु रितेश्वर महाराज ने गोरखपुर पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिक हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लगे धारा 370 के कलंक को धो दिया और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी मोदी सरकार की ही देन है, जिसे बनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों को और सुविधाएं मिले, नागरिकों को और सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर हिंदी और क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलने वाले के लिए यह शर्म की बात है, सभी को यूपी की भाषा बोलनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित योगी आदित्यनाथ हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम खुलकर उनका नाम लेते हैं। यदि हम उनका नाम ले रहे हैं तो यह गर्व की बात है, क्योंकि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, विपक्ष को चिंता करनी चाहिए कि जनता उनके साथ क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक अच्छा स्वरूप दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा बनाया है, वे लोग सनातन और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे फिर से चुनाव जीतेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बातचीत करते हुए वृंदावन के प्रसिद्ध संत सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा, प्रकाश करना और नाम सामने रखना, आप नाम बोलने से इतना हिचकते क्यों हो? अगर आप, मुझे लगे कि आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो तो मैं क्या कहूंगा, कुछ लोग बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। अरे मैं कहूंगा आपका जो भी नाम हो ABCD, मैं बोलूंगा अमुक बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, आजकल उनका बहुत नाम है। नाम लेने में तकलीफ क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी को एक टेररिस्ट रखते हैं आपको? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, दो बार से लगातार भारत की बहुमत जनता उनको चुन रही है और वो भारतीयों के अनुरूप काम कर रहे हैं। भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या चाइना से आते हैं? क्या वो विश्व के बाहर के व्यक्ति हैं? भारत का एक ऐसा सपूत जो भारत माता के सर पे लगे हुए कलंक 370 को धोता है, भारत माता के अयोध्या में लगे हुए कलंक उस राम मंदिर को बनाने में दिन रात एक कर देते हैं। अगर मैं उनका पक्ष ले रहा हूं, लेकिन मैंने यह भी कहा है कि किसानों को और सुविधा मिले, मैं यह भी कह रहा हूं कि व्यक्तियों को और सुविधा मिले, मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदान की गई ज्ञान की धारा को ही संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से प्रदान किए गए विचार बोध और ज्ञान को संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया सुखदेव को, सुखदेव दिया अपने शिष्यों को, और वहां से करते करते हमारे गुरु को, फिर हम तक, और हमारे द्वारा अन्य लोगों तक। तो ये गर्व का विषय है। हिंदी और क्षेत्रीय लैंग्वेज उसको बोलना ना आए तो वो इसके लिए शर्म का विषय है। ये बात का प्रचार हम क्यों नहीं करते कि हमें हिंदी बोलना चाहिए, हमें गोरखपुरी बोलना चाहिए, इस गोरखपुर की भाषा को, यूपी की भाषा को बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है, और उस इन्फीरियरिटी के कारण ये भारतीय केवल टाई सूट कोट पैंट पहन के अपने आप को जेंटलमैन कहने लगे। जेंटलमैन की ये परिभाषा नहीं है, जेंटलमैन की परिभाषा है जो स्वयं आनंदित रहे और लोगों में आनंद वितरित करे। वो धोती पहने कि तिलक लगाए उससे कोई मतलब नहीं, वस्त्र से कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है जब तक संस्कारों का पुनः स्थापना नहीं होगा भारत में, आप कुछ भी कर लो आप फिर गुलाम हो जाओगे। आज श्री नरेंद्र मोदी हैं, आज श्री योगी आदित्यनाथ हैं, भारत माने दो महान अमित शाह जी हैं। मैं नाम खुल करके लेता हूं, क्योंकि मैं शर्म भी नहीं करता, इसलिए नहीं करता। लोग कहते हैं धीरे धीरे आप पॉलिटिकल हो जाओगे, आपको हम लोग सुनते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, आप नाम मत लिया करो। कमाल की बात है, आपके घर में कोई अच्छा काम कर रहा है आप नाम भी नहीं लोगे, तो एजेंट बन जाओगे, दलाल बन जाओगे, तल्ले बन जाओगे। मैं ये कहता हूं एजेंट का पहले अर्थ भी जानते हो, एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। गुलाब का फूल अगर खिले और गुलाब के फूल को आपकी नासिका तक उसकी सुगंध को पहुंचाने के लिए संवाहक कौन है? हनुमान जी के पिताजी पवन। उस पवन के द्वारा ही आप उस गुलाब के फूल को सुगंध ले सकते हैं, तो वो भी तो एजेंट है, गुलाब का फूल का सुगंध आप तक दे रहे हैं। अगर मैं भी किसी व्यक्ति के द्वारा, राजनेता के द्वारा, किसी कलाकार के द्वारा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कर्मों के लिए एजेंट बना हूं, तो यह शर्म का विषय है कि गौरव का विषय है। इनके तहत बहुत सारी पार्टियां यहां पंजीकृत हैं, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, परंतु जनता उनके पक्ष में क्यों नहीं है, ये उनको स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि भारत की जनता क्या चाहती है। अगर उस मर्म को नहीं पकड़ पा रहे, अगर राष्ट्र को नहीं पकड़ पा रहे, राष्ट्र के स्वाभिमान को नहीं जगा पा रहे, तो ये बांटने से, जातियों में,
संप्रदायों में बांटने से आप बहुत दिन तक नहीं चल सकते। हाँ 60-70 साल तक चले, लेकिन अब आपको अपनी नीतियां बदलनी होंगी। अगर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी निभानी है तो नीतियां तो बदलनी होंगी, क्योंकि आपकी नीतियों को लोगों ने खारिज कर दिया है। अब वो क्यों खारिज किया है वो उनके आत्ममंथन का विषय है। मेरे लिए तो विकल्प सामने है और मैं साथ हूं, मैं राष्ट्र के उन्नति में साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मंदिर के लिए जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों के बीच भारतीयता, राजनीति में शुचिता और राजनीति में आस्था व्यक्त करना, भारत का युवा, भारत के संभ्रांत लोग पॉलिटिक्स को डर्टी कह करके अलग हट रहे थे, अरे ये राजनीति गंदी है, राजनीति बेकार चीज है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन दो लोगों ने कम से कम, अब मैं पूरी पार्टी को भी कहूंगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जिनको बाबा जी कहा जाता था कि बाबा जी मठ चलाएं, उन बाबा जी ने, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरा टर्म ऐसा लॉ एंड ऑर्डर दिया है कि मैं भारत ही नहीं दुनिया में भी जाता हूं तो लोग बोलते हैं यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा कैसे। हमने कहा जिनको सिर्फ मठ और मंदिर चलाने के लिए कहा जाता था, चूंकि वो संत हैं और संत का काम है समत्व की दृष्टि से सबके ऊपर सबके विकास का काम करना, तो उन्होंने वो कर दिखाया। उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, मेरा एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य है सनातन संस्कृति की जो रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म और वसुधैव कुटुंबकम, केवल भारत के लिए नहीं, आज श्रीमान नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं और भारत की सनातन परंपरा का एक ही मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, परिवार है, और वो उस बात को साबित कर रहे हैं, सच कर रहे हैं। और आप याद रखिए भारतीय धर्म के और संस्कृति के अनुरूप चलने से ही विश्व में मंगल आ सकता है, ये धीरे धीरे सभी जान रहे हैं। आप वृंदावन आइए, आकर के देखिए, हम लोगों से ज्यादा तो विदेशी लोग सुबह 4 बजे उठ करके हाथों में माला लेकर के और धोती पहन करके हरे कृष्ण करते हुए घूम रहे हैं। काशी चले जाइए, हम 9 बजे तक सो रहे हैं और वो 3 बजे सुबह उठ जा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा था। तो जो इस रिचुअल्स को फॉलो करेगा, जो नियम को फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा। उस वहां कोई वर्ग भेद नहीं है, वहां कोई गोरे काले का भेद नहीं है। अगर आप धर्म का पालन करेंगे, धर्मो रखिए। अगर मुझे एक नागरिक की तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं तो पहले तो मैं एक नागरिक हूं भारत का, तो जो हवा दिख रही है और जो चीजें दिख रही है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि सनातन संस्कृति के रक्षक 370 को रिमूव करने वाले, CAA को लागू करने वाले और भव्य और दिव्य जो भारत की आत्मा है 500 वर्षों से टेंट में रह रहे भगवान श्री राम को दिव्य भव्य मंदिर में विराजित करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, भारत की जनता उन्हें भूल नहीं सकती। उनके कर्मों के बल पर मुझे ऐसा विश्वास है कि यह सरकार पुनः वापस आएगी।